हेलो दोस्तों, मैं हूं रिया और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके शरीर का कोई अंग जल जाए तो उससे पड़ने वाले छाले और जलन से आप कैसे राहत पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ घरेलू उपायों के बारे में। जलने पर एलोवेरा बहुत फायदा पहुंचाता है। फर्स्ट एड के तौर पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी या दूध से धोने के बाद आप एलोवेरा जेल को जली हुई जगह पर लगाएं। इससे आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। जली हुई जगह पर आलू या आलू के छिलके को लगाकर रखने से जलन से राहत और ठंडक मिलती है। इसके लिए आलू को दो पीस में काटकर उसे जखम पर रखें। इससे आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। जली हुई त्वचा पर हल्दी का पानी लगाने से दर्द कम होता है। इसे जलने के तुरंत बाद लगाने से ज्यादा फायदा मिलता है। ऐसी कंडीशन में शहद का इस्तेमाल भी बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये एक अच्छा एंटीबायोटिक होता है। ये घाव के बैक्टीरिया को दूर करने में हेल्प करता है। इसके लिए शहद को पट्टी पर लेकर घाव पर रख दे और इस पट्टी को दिन में 2 से 3 बार जरूर बदलें। जली हुई जगह पर टी बैग रखने से आपको काफी राहत मिलेगी। इसके लिए टी बैग को फ्रिज या ठंडे पानी में कुछ देर रखकर घाव पर लगाएं। इसमें टैनिक एसिड होता है जो घाव की गर्मी को कम कर उसे ठीक करने में मदद करता है। त्वचा के जलने पर तुलसी के पत्तों का रस लगाना भी बेहद फायदेमंद होता है। इससे त्वचा पर दाग पड़ने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तिल भी त्वचा के जलने पर फायदा पहुंचाता है। तिल को पीसकर जली हुई जगह पर लगाने से दर्द और जलन नहीं होते। टूथपेस्ट भी एक अच्छा ऑप्शन है। इससे जलन तो कम होती है, साथ ही फफोले भी नहीं पड़ते। इसलिए जलने पर अगर आप कुछ ना मिले तो तुरंत टूथपेस्ट लगा लीजिए। पानी में नमक डालकर गाढ़ा घोल बनाएं और उसे जली हुई जगह पर लगाएं। इससे आपको ठंडक भी मिलेगी और फफोले भी नहीं पड़ेंगे। जली हुई जगह पर मीठा सोडा लगाने से भी फफोले नहीं पड़ते और आराम भी मिलता है। तो ये कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जिन्हें जलने पर आप तुरंत अपना सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये स्पेशल वीडियो यही समाप्त होता है। इसी तरह के और देसी नुस्खों के बारे में जानने के लिए अभी हमारे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना। सो टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।